चिटफंड कंपनी फिर भागी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चिटफंड संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पारित हुआ और पास हुआ। उस चिटफंड विधेयक बिल में सभी निवेशकों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई थी और चिटफंड कंपनियां जो भाग रही हैं उन पर यह विधेयक बिल पास किया गया था कि अब किसी का पैसा नहीं डूबेगा, सबका पैसा सुरक्षित है, अब निवेश कर सकते हैं चिटफंड कंपनी में। कुछ इस तरीके के नेताओं ने नए नए सांसद में बैठकर भाषण झाड़े थे और सांसद बिल पास कराया था। तो दोस्तों, आज एक महीना होने को आ चुका है, लेकिन अभी तक निरंतर चिटफंड कंपनियां प्रतिदिन भागती नज़र आ रही है दोस्तों, और उनके भागने की सारी खबरें हमारे पास दैनिक भास्कर और न जाने कितने ऐसे न्यूज़ चैनल जिनके माध्यम से मिलती रहती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कंपनी फिर आज भागी। तो चलिए दोस्तों, भागी कंपनी की न्यूज़ सुनाने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं, जो हमारे पास दैनिक भास्कर से आई है। 15 दिसंबर 2019 समय 8:40 पर यह न्यूज़ आई है। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ सुनाते हैं कि न्यूज़ पूरी क्या है। भले ही पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्दी चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की कर निवेशक को यानी के लोगों का पैसा लौटाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह आसान नहीं है। दरअसल, जब तक संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी आगे कुछ नहीं होगा, मामला अटका ही रहेगा। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि सभी जिम्मेदार विभाग व अफसर रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि विभागीय कार्रवाई जारी है, नियमानुसार पैसा लौटाएंगे, लेकिन अब तक कोई नहीं बता पा रहा है कि कार्रवाई धीमी गति से चल रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज़मीन मिलने के बाद भी कुर्की की कार्रवाई अधूरी है। इसके अलावा 6 करोड़ 48 लाख रुपया ठगा गया और जे एस बी चिटफंड कंपनी के दो आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस व प्रशासनिक रिकॉर्ड में खुलासा हुआ है कि जे एस बी रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी से जुड़कर लोगों को पैसा दिलाने का झांसा देने वाले आरोपियों ने खिचला कसा के कार्यालय खोला था, जो अब सील हो चुका है। साथ ही खिचला कसा में 3.032 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसे बेचकर पैसा लौटाने की 3 साल पहले प्रशासन ने चिन्हित कर अपने कब्जे में लिया था, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 चिटफंड कंपनी की जमीन दरली राजहरा व चिल्लाकसा में चिन्हित हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। दलरी राजहरा व बादोल बालोद थाने में चिटफंड के 13 चिटफंड कंपनी के खिलाफ बालोद व दल्ली राजहरा थाने में मामला दर्ज है, जिसमें 11 चिटफंड कंपनी के संचालक सहित 22 अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। चिटफंड कंपनी के आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर जमानत पर भी छूट रहे हैं। यह सिलसिला पिछले 3 साल से जारी है। कार्रवाई 4 साल में 11 कंपनियों का संचालन सहित 22 आरोपी गिरफ्तार। 4 साल में गिरफ्तारी की गई है, कंपनियों के निवेशकों की रकम लौटाने की कार्रवाई नहीं। 4 साल के अंदर 11 चिटफंड कंपनियों के संचालक सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इस कंपनी में लालच में पैसा लगाने वाले निवेशकों को डुबा पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अधूरी है, और यह इसलिए क्योंकि खरीदार नहीं मिल रहा है। खुद जिला प्रशासन के अफसर व पुलिस स्वीकार कर रहे हैं कि JSB चिटफंड कंपनी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिल्ला कसा में संपत्ति मिली है, उसकी कुर्की नहीं हो पाई है। जब तक कुर्की नहीं होगी, निवेशकों का पैसा नहीं मिलना है। 3 साल पहले हो चुकी है ज़मीन को चिन्हित। जिला कोषालय कार्यालय से किसी जानकारी अनुसार 3 चिटफंड कंपनी की जमीन 3 साल पहले चिल्ला कसा
दिल्ली क्षेत्र के चिन्हित की गई थी। इनको लेकर प्रशासनिक स्तर पर विभागीय कार्रवाई जारी है। सनशाइन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश मई 2017 में गुरु ब्लॉक के कई गांवों में लोगों से ठगी करने वाली सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉरपोरेशन की ज़मीन को कुर्क करके दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किया था, जिसका उल्लेख था कि जाम गांव पटन की 4.88 हेक्टेयर ज़मीन कुर्क कर पैसा लौटाने की कार्रवाई चल रही है। कंपनी के संचालकों ने निवेशकों से धोखाधड़ी कर प्रॉपर्टी खरीदी थी। संपत्ति का ब्यौरा देने की जिम्मेदारी तय है। पुलिस अफसरों का कहना है कि यह हमारा काम FIR करने का है, जो हो चुका है। सभी चिटफंड कंपनियों के संपत्ति का ब्यौरा देने की जिम्मेदारी राजस्व जिला प्रशासन शासक की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को पल्ला झाड़ते हुए सीधा कह दिया कि हमारा काम FIR दर्ज कराने का है, जो हो चुका है। अब चिटफंड कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए जिम्मेदार राजस्व जिला प्रशासन शासक की है। संपत्ति का रिकॉर्ड मिलेगा, इसी के हिसाब से आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी। JNB कंपनी की दो आरोपियों की तलाश। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के दो आरोपियों की तलाश दिल्ली राजहरा TIPS पटवावी ने JNB चिटफंड कंपनी के दो आरोपी रायपुर व दुर्ग निवासी हरि सिंह सुशील सरकार अब तक फरार हैं। दोनों की तलाश जारी है। कंपनी के खिलाफ 75 लोगों ने 6,85,00,000 और 74,472 रुपये ठगी की शिकायत की है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति कुर्की की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ भागी न्यूज़ की जो कंपनियां भाग रही हैं उसकी न्यूज़ आपको हम रोज़ क्रम बाई देते हैं, और आपसे यही बताने का प्रयास रहते हैं कि आज भी चिटफंड संशोधन विधेयक बिल का कहीं से कहीं तक कोई इस वक्त कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये बिल एक ठंडे बस्ते में आराम फरमा रहा है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि अपने पैसों के लिए प्रति जागरूक रहें और अपने स्तर पर अपने हक को मांगने के लिए बराबर आप धरने प्रदर्शन करें, ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारा बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।